गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। 18 नवंबर 2018 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। डेली मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर का वीडियो आता है, उठने के साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हो जाते हैं। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, नीचे आप लोग को लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा 10 बजे रात में लाइव टेस्ट होता है जीके का, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। दोनों वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाती है तो आप लोग एक काम करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों को जो लिंक है वो प्रोवाइड वहाँ पर कर दिया जाता है, और पीडीएफ और वेबसाइट का लिंक जहाँ पर टेस्ट वगैरह मिलते हैं वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पर जरूर जाकर जुड़ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टू द पॉइंट हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही को गौ समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है केरल। ये 16 नवंबर को किया गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन, और ये जो गौ समृद्धि प्लस स्कीम है ये सरकारी सब्सिडी की एक स्कीम है, मतलब इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में एलिक पद्मश्री का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो विज्ञापन फिल्म निर्माता थे, यानी एड फिल्म मेकर। इसके अलावा एक मूवी आई थी गांधी मूवी, उसमें इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का पात्र भी निभाया था, मतलब वो उस मूवी में मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये है कि इनको आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो भारतीय एड है, एड मेकिंग, उसमें इनको उसके जनक के रूप में जाना जाता है कि इनके द्वारा ही अच्छी तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरेश्वर प्रताप शाही किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है पटना। इससे पहले ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में थे, और बिहार के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उन्होंने शपथ इनको दिलवाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर को हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल औपचारिक रूप से कहाँ खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मथुरा में। ओके, यूपी के मथुरा में खोला गया है, 16 नवंबर को ये खोला गया है भारत में, और पहला ये विशेष अस्पताल है जो हाथियों के लिए होगा। उनके हेल्थ, उनको चोट लगने के बाद जो भी इलाज होगा वो यहाँ पर आसान रूप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? यहाँ पर इंग्लिश में डबल एक्स है। ओके, तो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की जो घोषणा की गई है वो इंडस लैंड बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पर इंडस इंड लिखा हुआ है, इसका नाम है पूरा इंडस लैंड। ठीक है, INDUSLAND बैंक, तो उसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन डिटेल में हम लोग इसके बारे में करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश को आकर्षित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही को नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया, उड़ीसा राज्य में, और 15 नवंबर को ये जो है अनाउंसमेंट किया गया है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश में है, उसको आकर्षित करने के लिए राज्य में ये चीज़ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन ने कौन सी वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता का आयोजन जो है वो बीजिंग में किया है चीन के? तो ये जो है 9वें नंबर की है, भारत और चीन के बीच रक्षा और सुरक्षा वार्ता है, रक्षा के क्षेत्र में और जो सिक्योरिटी है उसके क्षेत्र में जो है डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है, एक मंच है, तो वहाँ पर ये आयोजन किया गया है, और ये 13 नवंबर को किया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 नवंबर को ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर को किसे बंगाल का लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो असीम कुमार राय को नियुक्त किया गया है बंगाल का लोकायुक्त। बंगाल के लिए जो लोकपाल बिल है, संशोधित लोकपाल बिल, वो 2018 में ही पारित हुआ है, तो उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है असीम कुमार राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पेन में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 यानी U12 ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर देखिए दो नाम है, पहला नाम तो मैं बता दूँ इस क्वेश्चन के अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है गुकेश डी। ठीक है, 16 नवंबर को ये चीज़ हुआ है, और एक नाम और भी यहाँ पर दिखा, दूसरा नंबर पे जो नाम है वो देखिए आप लोग, सविता श्री लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है सविता श्री बी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में कितने व्यक्तियों को नामित किया गया है? तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों को नामित किया गया है, जिसमें 2 महिला हैं और 1 पुरुष हैं। नाम बताता हूँ, चंद्रमुखी देवी, सोसो साइजा और कमलेश गौतम, ये 3 नाम जो हैं वो यहाँ पर हैं, 3 सदस्य हैं।
उनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लोग यहाँ पर चुने गए हैं ये 3 वर्ष के लिए नामित हुए हैं, बट अगर कोई जो है 65 वर्ष 3 वर्ष के पहले पूरा कर लेता है 2 वर्ष में ही, तो वहाँ पर उसकी जो है वो पद वहाँ पर समाप्त हो जाएगी, उसके सदस्य के रूप में वो नहीं रहेंगे। तो 3 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष तक, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। 65 वर्ष अगर वो 61 में चुने जाते हैं और उनका एज 65 है होने वाला है, मतलब 5 साल बीच में है, तो ऐसा नहीं कि उनको 5 साल के लिए, ओनली 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो 3 साल जैसे पूरा होगा वो हट जाएंगे, लेकिन अगर किसी कंडीशन में 65 3 वर्ष से पहले पूरा हो रहा है तो फिर वो समाप्त होते ही 65 वर्ष उनके पूरे होते ही वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत किर्गिस्तान या भारत किर्गिस गणराज्य के अंतर्गत अंतर सरकारी आयोग का 9वां जो सत्र है, 9वें नंबर का, वो 15 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, तो वो किस जगह पर किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। किर्गिस्तान जो है, भारत और किर्गिस्तान अंतर सरकारी आयोग की ये बैठक है 9वें नंबर की, इसमें मुख्य रूप से व्यापार, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो वार्ता की जा रही है, उसके लिए एक मंच है, ठीक है। और इसके अलावा 10वीं जो बैठक होगी दोस्तों, वो किर्गिज गणराज्य में होगी, यानी किर्गिस्तान में ही होगी 10वें नंबर की बैठक। तो अभी जो 9वां सत्र हुआ है किर्गिज भारत अंतर सरकारी आयोग का, ये नई दिल्ली में हुआ है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो मतलब 17 तारीख के लिए थे, ये 18 तारीख में आप लोग ये करंट अफेयर देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा 10 बजे लाइव टेस्ट जो रात में होगा उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर का वीडियोज़ आता है, अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।